कि पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आवाम कैसे सरवाइव करेगी इतना पेट्रोल के साथ? जो आदमी 60-70 हज़ार का मोबाइल फोन जेब में रख सकता है वो 300 का पेट्रोल नहीं डला सकता। जो अमीर आदमी है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है जिसकी सैलरी वही है फिक्स है उसको तो फर्क पड़ता है। जिसने दूध लेना 100 का वो 50 रुपए का लेकर जा रहा है, इससे ज्यादा क्या महंगाई होगी? आप बाइक ही नहीं चलाते? ये बंदा सबसे खुश नसीब है आज के जमाने में। 1700 में फुल होती थी, अब ये फुल होती है 6000 में। पाकिस्तान एक्सप्रेस के साथ मैं आपके मेजबान हुमा खालिद। नाजरीन, आप जानते हैं कि जो पेट्रोल की कीमत है उसे बढ़ा दिया गया है, पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए जो है वो इजाफा कर दिया गया है। आइए जरा आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं कि आवाम का इस बारे में क्या कहना है कि निगरान हुकूमत ने आते ही एक इतना बड़ा बम जो था वो आवाम के ऊपर फेंक दिया। तो आए अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। अंकल जी क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, ये सामान करता हूँ। अंकल बाइक चलाते हैं, पेट्रोल महंगा हो गया आज क्या कहेंगे? बहुत जुल्म है ये, बहुत बड़ा जुल्म है ना ये, तो इतना महंगा कर दिया, 100 रुपए अगर मैं बढ़ा दिया इन्होंने, सस्ता करना चाहिए इन्होंने, सस्ता करना चाहिए। बाहर के मुल्क में आलमी मंडी पर पेट्रोल सस्ता हुआ है लेकिन इन्होंने महंगा कर दिया, ये जुल्म है। अंकल काम क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, पढ़ते भी हैं? पढ़ते हैं बच्चे। तो कैसे इस काम से फिर पेट्रोल इतना महंगा, कैसे बच्चों का खर्चा पूरा? पहले 500 का पेट्रोल आता था, 1200 का पेट्रोल गया मेरा। इतना पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, हुकूमत के नाम क्या पैगाम? बस हुकूमत यही है होश के नाखल है और गरीबों को रिलीफ मिलना चाहिए इसमें पेट्रोल में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ। क्या जॉब करते हैं? आईटी से रिलेटेड अल्फता में। कितनी सैलरी है? अलमोस्ट ठीक है, बस गुजारे वाली है। गुजारे वाली है। शादी शुदा है? बच्चे हैं? जी बेटा है। एक बेटा है। घर में कितने लोग हैं जिनका आपने खर्चा उठाना होता है? 6 लोग हैं। पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया? बिल्कुल हो गया। पेट्रोल जो है वो महंगा हो गया, क्या कहना चाहेंगे कि अब आपका खर्चा कितना बढ़ गया, क्या होगा? तो ऑलमोस्ट 15,000 से 16,000 जो है ना वो एक्सपेंस बढ़ गया फ्यूल का। और जो बात रह गई फैमिली की, तो अल्लाह ही है जो वो इज्जत से चला रहा है। वैसे तो सिस्टम कोई नहीं है कि घर का खर्चा ही पूरा हो जाए। क्या कहना चाहेंगे हमारी निगरान हुकूमत को जिन्होंने आते ही ये बम डाल दिया? निगरान हुकूमत से तो यही कहेंगे कि अपने आप को सुधारें, आवाम का कुछ सोचें, गरीब आवाम है कहाँ से करेगी पूरा, तो लिहाजा इनको सोचना चाहिए गरीब आवाम के बारे में। बिल्कुल ऐसी है नाजरीन। आइए जरा और आवाम के पास चलते हैं और जानते हैं, अंकल जी मौजूद हैं, अंकल से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या करते हैं? मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? कितने आपके घर के लोग हैं जिनको आपने पालना होता है? 6 फर्ज हैं। और पेट्रोल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ने से क्या क्या नुकसान हुआ? कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यों? जो आदमी 60-70 हज़ार का मोबाइल फोन जेब में रख सकता है वो 300 का पेट्रोल नहीं डला सकता। मतलब आप समझते हैं कि बिल्कुल ठीक है? ठीक है, ठीक है। आपका वोट किसको है? हमारे वसाइल जो है ना, हमने अपने वसाइल खुद बढ़ाए हैं, अपने वसाइल हमने खुद बढ़ाए हैं। घर में 4 फर्द हैं, 4 बाइक है, 4 पेट्रोल से चलती हैं, 4 फर्द के पास मोबाइल है, 35-35, 40-40, 50-50। मोबाइल तो आज की अहम जरूरत है ना, हर आदमी के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन आज तो हर जिंदगी का एक अहम हिस्सा है मोबाइल फोन। बिल्कुल नहीं बेटा, आपने अपने प्यारों से रابطہ करना हो कैसे करें? कर लेते हैं एक मोबाइल का। आपकी बेटी बाहर गई है, आपको क्या पता अगर आपकी बेटी के पास मोबाइल नहीं है वो कब आएगी? सब पता होता है हमें, लेकिन ये मसाइल हमने खुद बढ़ाए हैं। ठीक है, जब मैं बचपन में था ना तो मेरे पास एक जोड़ा कपड़ा का होते थे, अब मेरे पास 20 जोड़े हैं। क्यों बनाए? जूती हैं। क्यों बनाए? तो वसाइल है ना, तो मेरे पास है। ठीक है ना, जब हम अपने वसाइल बढ़ाते जाएंगे तो हर चीज़ महंगी होगी, खरीदार ज़्यादा हो जाएंगे तो उसकी वो चीज़ महंगी होगी। बिल्कुल ऐसी है, जब मैं बचपन में था तो गाड़ी दूर दूर से देखने में नहीं नजर आती थी, हर आदमी के पास अब बाइक है, साइकिल नज़र आती है आपको। चलेंगे, बहुत शुक्रिया आपका नाजरीन। आइए चलते हैं और जान लेते हैं कि आखिर ये पेट्रोल दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, आवाम कैसे सरवाइव करेगी इतना पेट्रोल के साथ? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। सर क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं सर, पेट्रोल महंगा हो गया है, क्या कहना चाहेंगे? बस ये बस आवाम के ऊपर, बस आवाम जो सफ़र कर रही है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस चीज़ पे नोटिस ले, अपना गौर करे, आवाम के बारे में सोचे।
पेट्रोल महंगा होने से आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो कितनी कम हो गई हैं, कितना नुकसान ज़्यादा मुतासर होती हैं। देखें जो तो अमीर आदमी है उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है उसका पहले एक लिमिटेड सा एक बजट होता है, उसी में उसने गुजारा करना होता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर हर चीज़ पर असरअंदाज होती है, क्योंकि पेट्रोल महंगा होने से तमाम चीज़ें बढ़ती हैं, हर चीज़ ट्रांसपोर्ट के किराए वगैरह हर चीज़ बढ़ जाती है। पहले आपका दिन में लीटर पेट्रोल लगता है, दो लीटर लगता है? वैसे मेरा जो है ना वो डेढ़ लीटर दो लीटर इतना लग जाता है। मतलब कि अब वो पेट्रोल आपका 600-700 का लगेगा? हाँ जी ज़्यादा लगेगा, जारी बात है। अब तो अगर दिन में आपका माही 1000 रुपया रहे हैं, 1500 रहे हैं, 600 पेट्रोल लग जाएगा, तो बाकी चीज़ें सर कैसे मैनेज करेंगे, बच्चों की पढ़ाई, घर के रेंट? हाँ जी ये बस वही मैं बात कर रहा हूँ कि ये बजट पर आ जाता है। जो अमीर आदमी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो गरीब आदमी है जिसकी सैलरी वही है फिक्स है उसको तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसके दूसरे जो वो तो दूसरी तरह ही है, हर चीज़ महंगी हो जाती है ना। पेट्रोल महंगा होने से ज़रूरत है ज़िंदगी, सब्ज़ी, हर चीज़, क्योंकि हर चीज़ ने आना होता है कैरिज के तौर पे आना होता है हर चीज़ ने, तो वो हर चीज़ बढ़ती है उसके साथ साथ। और लेकिन जो है बाद लोग हैं उनकी फ़िक्स तनख्वाहें हैं, सैलरीज फ़िक्स हैं, उसकी वजह से वो बेचारे फिर उसी के अंदर उनको गुजारा करना पड़ता है। बाइक यूज़ करते हैं? बाइक यूज़ करते हैं। सर जी पेट्रोल महंगा हो गया? महंगा हो गया, बिल्कुल महंगा हो गया। क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है, क्या ख्याल है? क्या राय करनी है, महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है और पेट्रोल भी ज़्यादा, मैं पेट्रोल ज़्यादा महंगा हो गया तो फिर इसका मतलब है महंगाई भी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है गुजारा करना बहुत ही मुश्किल हो गया, कारोबार करने बहुत मुश्किल हो गया। जिसने दूध लेना है 100 का, वो 50 रुपये का लेकर जा रहा है, इससे ज़्यादा क्या महंगाई होगी? आप ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके घर के, कितने लोग हैं जिनको आपने पाला? माशाल्लाह आप 4-3 बेटे हैं मेरे, क्या करें फिर, गुजारा बहुत से मुश्किल हो रहा है, 3000 रुपया रोज़ मुश्किल है गुजारा, 3000 रुपया कम से कम तो मैक्सिमम होना चाहिए ना, लेकिन 500-700-700 रुपया रोज़ का हो रहा है। घर अपना है कि रेंट का है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह घर अपना है। घर अपना है मतलब उस रेंट से बच रहे हैं, बिजली के बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं? बिजली का बिल 20000 रुपये से कम आता नहीं है, एक पंखा चलता है, एक फ्रिज चलती है, एक कूलर चलता है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बाइक चलाते हैं? बाइक ये देखें पीछे खड़ी है, बाइक भी हैवी रखी हुई है। मुझे ये बताएं इतनी महंगाई में बाइक का पेट्रोल कैसे अफोर्ड करना है? मैं कहता हूँ पेट्रोल तो खैर पता क्या है, जिसने बाइक रखी है उसने तो अफोर्ड करना ही करना है, ठीक है ना, लेकिन जो थर्ड मैन है, मिडिल क्लास है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया हुआ है, जिसका कारोबार नहीं है, कोई सेटअप नहीं है उनके लिए। आपकी बाइक भी हैवी है, डेली का कितना पेट्रोल खाती है? डेली का मेरे ख्याल से पहले मैं इसको जब न्यू ली थी इसको मैं फुल करवाता था 1700 में फुल होती थी, अब ये फुल होती है 6000 में। 6000 रुपए आप डेली इसको फुल करवाते हैं? डेली नहीं तकरीबन एक वीक में, मतलब वीक निकल जाता है? एक वीक निकल जाता है, वो तो नॉर्मल बाइक भी वीक निकाल जाती है, मतलब ये बाइक पेट्रोल कम लेती है? दरअसल मेरा आना जाना जरा कम है, इस वजह से गाड़ी भी यूज़ होती है ना, बाइक कम से कम, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते थे 6000 की, गाड़ी की मैं टंकी फुल करवाता था और अब मैं टंकी फुल करवाता हूँ उसकी 17000 रुपए की। हालात तो नाजरीन बहुत ऐसे है, कल्टस है, हालांकि न्यू मॉडल जो कल्टस है वो उसका ये हाल है, पहले वो एवरेज भी 25 देती थी, जब से पेट्रोल महंगा हुआ है एवरेज भी उसकी नीचे आ गई है, 17 भी आ गई है। मेरे ख्याल से पाबंदियां लग जानी है, गाड़ियां घर में खड़ी करो, पैदल जाया करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, स्पीडो पे जाओ, क्योंकि अभी तक स्पीडो ही हमें बारे में पड़ी है 20 रुपए में। स्पीडो हुकूमत के लिए क्या पैगाम है? हुकूमत के लिए समझ नहीं आ रही क्या पैगाम दिए, लेकिन ये है कि हुकूमत जो भी आए हमारे लिए अच्छा आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई अच्छा आ सकता है, क्योंकि हम बाहर ही जाएंगे, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान अमेरिका। मैं खुद जा रहा हूँ, निकल रहा हूँ इंशाल्लाह ताला, और पासपोर्ट मेरा तैयार है, ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट तैयार हो रही है, 6 महीने की स्टेटमेंट तैयार होनी है, उसके बाद बाहर चले जाना। नाज़रीन हर बंदा जो है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है, बिकॉज पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने ज़्यादा बुरे हो चुके हैं, जो महंगाई है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान में महंगाई का लेवल बहुत ज़्यादा हो चुका है, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, चीनी महंगी, घी महंगा, हर चीज़ महंगी, आखिर इस आवाम का सहारा कौन बनेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी मेरे पीछे खड़े इस मासूम और बदतमीज़ बच्चों को करें इग्नोर, मुझे दे इजाज़त, वस्सलाम।